दुनिया में यह घटना पहली बार घटी है जब किन्नर की एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस घटना के बाद पूरे बिहार और बंगाल के जितने भी किन्नर हैं तमाम लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और सभी पूर्णिया पहुंचे हैं और न्याय के लिए। बताया जा रहा है कि मुस्कान किन्नर अपने घर से निकलने के बाद पूर्णिया के गुलाबबाग के सरेली मोड़ से जैसे ही आगे बढ़ी तो उसी समय दो बाइक पर सवार नकाबपोश ने उसे गोली मार दी, और उसके बाद उसके साथ में जो उसके चेले थे और स्थानीय लोगों ने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दरमियान उसकी मौत हो गई और उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नतीजा सामने नहीं आया है और पुलिस अभी तक ये कुछ नहीं बता पा रही है कि इस मामले का कुछ ऐसा सुराग उनके हाथ लगा है जिससे कि यह कहा जा सके कि हाँ मामला का तत्काल उद्भेदन हो सकता है। तो ये तमाम बिहार और बंगाल के जितने भी किन्नर हैं संगठन के अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम लोगों की यही मांग है कि तत्काल जो अपराधी है जो अपराधी है उसकी पकड़ होनी चाहिए। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं बिहार बंगाल के ये अध्यक्ष हैं। क्या क्या कहना चाहिए सबसे पहले? मेरा मांग है, मैं अभी आईजी साहब से मिलूंगी और मैंने कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। मिलने के बाद उनसे हमारा यही मांग है, जो हमारा कोई दुश्मनी किसी से भी नहीं, हमारा जानकारी में नहीं है, मगर हमारे किन्नर के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ, जब हमारा किन्नर सुरक्षित नहीं है आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए खूनी को जल्द पकड़ना चाहिए, और जहाँ उनका गोली लगा वहाँ वीडियो फुटेज मिला, वीडियो फुटेज देख के उनको पता लगाना चाहिए, इतना ही हमारा मांग है। अच्छा, आज आप लोगों ने सुबह में सारे लोग मिल करके मीटिंग की, मीटिंग में ऐसी कोई बात सामने आई कि आखिर किनका विवाद उनके साथ था या किसी भी तरीके से? उनके हम सब आए, उनका जो पास में उनके जो चेले रहते थे सारे को बुलाए, सारे बुला के सबके पूछे जो दो चार दिन में, दस दिन में, महीना में, दो महीना में किसी से आसपास में लड़ाई, शहर में किसी से झगड़ा, बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ, इतना हम सबको पूछे, मतलब किसी ने। आपने ये पता किया कि उनका जो मुस्कान किन्नर हैं उनका सिर्फ नाचने गाने का ही धंधा था या फिर इसके अलावा और कुछ भी बिजनेस था उनका? ना, कोई हमारे किन्नरों का कोई बिजनेस नहीं है। हमारा यहाँ सात पीढ़ी गुजर गया, वो जो मकान में जो किन्नर रहते थे मुस्कान, वो हमारे चंपा किन्नर का था, उनके बाद कमली किन्नर आया, उसके बाद बिमला किन्नर आया, उसके बाद वो बसंती किन्नर आया, उसके बाद ये आया, वो किसी से लड़ाई ना कोई बिजनेस बाकी कोई दूसरा कोई काम नहीं है। हम तो शादी में बच्चा होने में खुशहाली में हम जाते हैं, यही कोई बिजनेस नहीं। अच्छा, बात ये भी चर्चा में आ रही थी कि हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर के भी विवाद बढ़ सकता है, या कहीं आप लोगों ने उनके माध्यम से पैसा मार्केट में लगवाया था, तो उस तरह की शिकायत जब डिमांड करने जाता है लोग कि हाँ हमारा पैसा वापस करिए, तो इसमें विवाद हो सकता है कुछ इस तरह ना, की बात ना, ना, ना। हमारे किन्नर कहीं सूद ब्याज में, कहीं किसी मार्केट में, चाहे किसी बैंक में, हम तो किन्नर अभी बच्चा होना भी कम हो गया, हमारा पेटी नहीं चलता है, हम कैसे हमारा मार्केट में पैसा सूद में ब्याज में कैसे लगाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, हमारे ऐसा कोई दुश्मनी नहीं किसी से। तो फिर क्यों करेगा कोई ऐसा? कोई हादसा हुआ समझ रहे हैं, कभी कभी जो कोई हादसा हुआ कि कोई किसी को मारने गया, कि उसी को मारने गया, जो उसका चेलों को हम अभी 3 घंटा बैठ के पूछा, जो संग में थे, जो ढोलक वाला संग में थे, उनको भी पूछा गया, वो बोला दादी जी अभी हमारे से किसी का दुश्मनी नहीं है, अभी तक नहीं है, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई। अच्छा, वो घर से निकली तो किसी को कैसे पता चल सकता है किधर जा रही हैं और रास्ते में वो खड़ा रही? उसको पता, अब जब वो खूनी पकड़ा जाएगा वीडियो फुटेज देख के तब पता चलेगा कैसे क्या हुआ। कोई ना कोई तो बताया नहीं, कोई किसी का पता नहीं है, वहाँ ही मोहल्ला के पास में दो घर में गया, बधाई नाचने दो घर में नाच के फिर तीसरी घर में जाने लगा, पान का दुकान आया, पान लिया, पास से जाने लगा, वहाँ मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, गोली मार दिया। अच्छा, कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि पांवरिया लोग के साथ भी विवाद कुछ न कुछ हुआ था, पंचायती ना, पांवरिया लोग से पंचायत हुआ दो तीन महीना पहले हुआ था, मगर वो इतना बड़ा लड़ाई नहीं, पांवरिया कभी आगे हमारे बधाई उठा लेते थे, इसीलिए उनको बुला के सब पंचायती हुआ, लिखी पड़ी हुई, जो पहले हिजड़े नाचेंगे उसके बाद पांवरिया नाचेंगे। लेकिन जिसकी हत्या हुई है मुस्कान किन्नर की, उन्होंने मीडिया के सामने उस वक्त कहा था कि उनको धमकी दी जा रही पांवरिया की तरफ से। हाँ, हुआ था, इसीलिए कागज़ पत्र बना, जो दो बात हुआ था ना, इसीलिए कागज़ पत्र भी बना, वो कागज़ भी बनाया, जो हमारे हिजड़े किन्नर पहले हम बधाई नाचेंगे उसके बाद पांवरिया नाचेंगे। तो आपको कहीं शक लगता है? हाँ, कि वो उसका ऊपर भी शक नहीं है, जब आँख से देखी नहीं, क्यों किसी का ऊपर, दुनियादार बाल बच्चा का ऊपर हम लगाएंगे शक, हम किन्नार हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, जाति दुश्मनी हमारा किसी से नहीं है।
ऐसी घटना पहले इस इलाके में कभी घटी आप लोग को जानकारी? कभी नहीं घटा, हमारा ये इलाका नहीं, हमारा बिहार बंगाल में ऐसा कभी घटना नहीं है। आप लोग का इतना उम्र हुआ, आप लोग का अखबार में मीडिया में काम करते हो, आप लोग को भी कभी पता नहीं लगा जो ऐसा कभी हुआ हमारे किन्नर का ऊपर गोली चला? हम तो सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको हंसाते हैं, सबको नचाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो रुला दिया। हम लोग को रुला दिया, यही तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम आज तक जब हमारा किन्नर का भी कलेक्टर का पास नहीं आया, आज आने पड़ा। जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूर्णिया में जब हमारा किन्नर सुरक्षित नहीं रहेगा, फिर इतना दुनियादार इतना पब्लिक हमारा पास कुछ नहीं है। हम भिखारी हैं, हम सुरक्षित नहीं है। जिसका पास दो पैसा है वो किससे सुरक्षित रहेंगे? सिर्फ हमारे लिए नहीं आए, तो आप सबके लिए आए हैं। आप यहाँ आई हैं पूर्णिया के एसपी और पूर्णिया के डीएम से? हमारी डिमांड है, हमारे 5 दिन के अंदर हमारे खूनी को निकालने होगा, हमारे खूनी को पकड़ने होगा। उसके बाद जो कानून उसके जैसे सजा, जैसे उसने कर्म करा उससे सबसे बड़ा सजा होगा, उसको फांसी का सजा सुनाना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर में जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, होनी चाहिए हमारा। अगर इसमें देरी होती तो फिर क्या करेंगे? अगर इससे देरी होती, अगर कानून हमारा साथ नहीं देंगे, हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम पटना में जाएंगे, सब जगह, हम दिल्ली भी आंदोलन करेंगे, हम सब जगह जाएंगे। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम जनता के लिए, इंसानियत के लिए हमें लड़ेंगे, हमारे लड़ाई लड़ने होगा। अच्छा मैम, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप आपका वो चेला थी, तो कभी कुछ शिकायत आपसे की गई थी? नहीं नहीं, मेरा चेला 18 साल से थी, मैंने उनको अपने पास ही रखा। मेरा एक छोटी गुर भाई थी बसंती, वो डेट कर गई, यहाँ जगह खाली हो गई, उनको 1.5 साल से यहाँ बैठाई थी मैं। तो हमसे क्या पूछते हैं आप मीडिया वाले, हमारा तो कलेजा का टुकड़ा ही टूट गया। हम तो अपने औलाद के तरह उसको रखे थे, सारा संसार, हम बीमारी आदमी, हम 3 साल से चीनी से जूझ रहे, मेरे किडनी में दाग लग गया है। हम उसके सामने चले जाते हैं तो हमारा आत्मा को शांति पहुंचता, कोई ऐसा नहीं सोचता। हम लोग तो तन से पैदा नहीं करते हैं, मन से जरूर हर नज़र से पैदा करते, किसी को औलाद को अपने औलाद बनाते हैं। आज वो चला गया, कल हमारे दिल में क्या गुजरता है हम दुनिया वालों को क्या बताएंगे? हमें तो इंसाफ चाहिए, DM साहब से भी इंसाफ चाहिए, और क्या कहते हैं SP साहब से भी इंसाफ चाहिए। जब हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, आज उनको मेरा चेला को मार दिया, कल मेरा पोती चेला उनको मार देंगे, तो फिर हम लोग के संसार ही उजड़ जाएंगे। तो बताइए हम लोग कैसे करके क्या करके खाएंगे? हमारे लोग तो हम जानते ही, हमारा माँ बाप है ना, हमारा सारा संसार तो वही लोग है। क्या, क्या लगता है ये जो सामाजिक स्तर है वो काफी नीचे गिरता जा रहा है? अब किन्नरों पे हाथ उठा रहा है लोग, उसकी हत्या कर रहा है। आज इतने जमाने के बाद कहीं भी पूरा भारत में ऐसा नहीं किन्नर के साथ हुआ। किन्नरों से आशीर्वाद लिया जाता है, हम लोग सूत उठ के मनाते हैं, हे भगवान किसकी घर में बांस हो उनके घर में हम जाएंगे, उनके बच्चे जीवे, उनकी कमाई में बरकत हो, कि हम उसके घर में खुशहाली हो, घर बनता जाते हैं। अभी तो 2 बच्चे के ज़माने हैं, हम लोग क्या करके खाएंगे? अभी हम लोग रोड पर निकलते हैं, हम लोग को गोली मार दिया जाता है, हम लोग किसी के सिर पर हाथ रखते वो गोली से बात करता है, कैसे जिएंगे हम लोग, क्या करके खाएँ? हमारी ये सरकार फैसला करे। अच्छा आपके आप लोगों के साथ में पूर्णिया कांग्रेस के अध्यक्ष इंदु सिन्हा जी आई हुई है। मैम क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी घटना मानते हैं पूर्णिया के लिए, कितना शर्मसार करने ये वाला तो बहुत समझिए क्या कि बहुत शर्मनाक घटना है ये, क्योंकि आम जनता तो यहाँ जो हो रहा है आप लोग मीडिया के द्वारा आप लोगों को मालूम ही है कि आए दिन हत्या, बलात्कार और अपहरण हर घटना घट रही है यहाँ, लेकिन खास करके किन्नरों के साथ ये पहली बार ऐसी घटना घटी है यहाँ। और जहाँ तक बात है मुस्कान की, वो नेचर की भी बहुत अच्छी थी और किसी से उसको कोई लड़ाई नहीं था। हम लोग भी पता करते थे कि यहाँ कौन है क्या है, हर जगह हम लोगों के भी मोहल्ले में लोगों का आना जाना रहता था, लेकिन हम लोगों को पता चला क्या कि सो मुस्कान को किसी से लड़ाई नहीं थी। और इस तरह की घटना सरेआम करना एक किन्नर के साथ, आप देख रहे हैं कि आए दिन चुनाव में भी किन्नर आज उतर रही हैं चुनाव लड़ने के लिए, लोगों की सहानुभूति मिल रही है उनको, हाँ प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो मैं यही चाहूँगी आप लोगों से कि आप मीडिया के द्वारा, और हम चाहेंगे क्या कि हम DIG साहब, IG साहब और SP साहब तो अभी छुट्टी पे चले गए हैं, हम लोग सभी से मिल करके एक ये एप्लीकेशन देंगे और बताएंगे क्या कि जैसे अब हमारी ये सोना जी बोली है क्या कि 5 दिन का ये हम लोग देते हैं अल्टीमेटम कि 5 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी इन लोगों से भी कि इनके साथ साथ हम लोग भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किन्नर की बात नहीं है, ये आम आदमी का बात है, सबसे पहली बात है। और जहाँ तक इन लोगों का जो सोसाइटी है, इन लोग तो सही अभी बता रही थी कि हम लोगों को हंसाते हैं, रुलाते नहीं हैं,
और इन लोगों के द्वारा हम लोग जतरा भी बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं क्या कि चलो इनको कुछ अगर हम दे देते हैं तो हमारा जतरा अच्छा रहेगा। इसीलिए आज ये हादसा हुई है। हम लोग चाहेंगे कि जितने पार्टी दल के लोग हैं सब लोग इनके साथ रहें और इनको मिलजुल करके हम लोग सारे ये जो अपराधी हैं जो इन्होंने बताया, और आप लोग भी जानते हैं कि CCTV में आया हुआ है फुटेज, उससे तो तुरंत अपराधी पकड़ा जाएगा। इसीलिए खोजने का भी ज़रूरत नहीं है, वो पकड़ा जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि उसको, ये इन्होंने कहा फांसी का सज़ा, फांसी का सज़ा नहीं, वो किन्नर को ही सौंप दें। ये लोग अपने तरफ से सज़ा देना चाहेंगी, जो भी सजा हो, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन किन्नरों के साथ जो ऐसी घटना घटी है ये भी निंदनीय घटना है पूर्णिया के लिए, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसीलिए हम चाहेंगे आप लोगों के द्वारा सरकार नीतीश कुमार जी के पास, और मोदी जी हैं केंद्र में, उनको भी सूचना दिया जाए कि जल्द से जल्द इन लोगों का, अच्छा, समाज को हंसाने का काम जो करते हैं उनको रुला दिया गया है। क्या लग रहा है कि समाज अब हमारा कितना जो स्तर है वो कितना नीचे चला, नीचे गिर गया है। ये समाज की बात नहीं है, जो अपराधी आजकल जो अपराध कर रहे हैं उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अपराधी भी तो समाज से ही आता है, समाज से आता है, लेकिन उसको हम लोग अपने समाज से जोड़ करके नहीं रखते हैं। अपराधी जो होता है वो अपराधी है, वो नहीं देखता है कि ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। उसका काम रहता है कि सिर्फ उससे दुश्मनी करना। इसीलिए इस तरह के लोगों को समाज में ना कोई स्थान है, ना स्थान मिलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के द्वारा जो देश चल रहा है, कम से कम आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, हम लोगों को ज़्यादा खुशी होगी। आप लोग भी आंदोलन करेंगे? एकदम साथ में। देखिए, जो भी घटनाएं घटी है ये काफ़ी निंदनीय है, और जिस समाज से वो लोग आते हैं वो हिंदू रहे मुस्लिम रहे सभी लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। जो निछावर होता है उसको निछावर दिया जाता है। लेकिन कल जो घटनाएं घटी है ये काफ़ी शर्मनायक घटना है, और पुलिस के लिए चुनौती है। यहाँ का प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसका काफ़ी निंदनीय हम करते हैं, और इसका मुख्यमंत्री को भी हम सूचना दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी ऐसा घटना घटी है पूर्णिया में, इसकी जाँच होनी चाहिए और दोषी पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। एक यहाँ भरोसा दिया गया है इन लोगों को कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष की ओर से कि आंदोलन किया जाएगा। हम खास तौर से दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ का आप नज़ारा देख लीजिए। ये पूरे बिहार और बंगाल के जितने भी इन लोगों का जो मठ होता है, तमाम मठ से जो भी किन्नड़ हैं वो तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ, और सभी का एक ही कहना है कि जो हत्या की गई है उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। और जिस तरह से अभी बताया गया कि उनका जो हत्यारा है उनका CCTV कैमरे में चेहरा तो कैद हुआ है लेकिन पीछे से हुआ है, गोली मारते हुए देखा जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं आया है, क्योंकि जो CCTV कैमरा दुकान में लगा हुआ था उसमें से पीछे से साफ दिख रहा है लेकिन आगे से नहीं देखा जा सका। हालांकि ये भी जानकारी दी गई कि जो हत्यारा है वो हेलमेट लगाए हुए था, और एक दूसरा जिन्होंने गोली मारी है वो मास्क लगाए हुए था, तो अगर सामने से भी देखते तो आप उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन कम से कम इतना है सबूत कि गोली मारते हुए वो लोग किधर गया है और कितने लोग से थे, किस तरह की बाइक पर वो बैठे थे, तो ये चीज़ें उनमें सामने आई हैं। तो प्रशासन को एक मदद हम कह सकते हैं कि उससे ज़रूर मिलेगा इस इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, उसकी पंचायती हुई थी, वो पांवरिया जाति के लोग हैं, उनका भी काम नाचना गाना है और इन लोगों का भी काम नाचना गाना है। इन लोगों का शक उन पर नहीं है कि उन लोगों ने हत्या किया है या फिर उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, लेकिन जो भी किया है ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में ये पहली बार ऐसी घटना घटी है जब किसी किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई हो। तो ये बहुत ही दुखद है, चूँकि ये इस घटना का जो घटनास्थल है वो पूर्णिया है, और यही वजह है कि पूरे दो राज्यों से
बड़ी संख्या में किन्नर पूर्णिया के यहाँ डीएम और एसपी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं और ये लोग, और इन लोगों का यही डिमांड है कि जो भी हत्यारा है उनकी गिरफ्तारी 5 दिन के अंदर होनी चाहिए। अगर 5 दिन के अंदर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर ये लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पर जा सकते हैं। तो ये अभी इन लोगों का डिमांड है और उसी डिमांड को लेकर के ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो पूर्णिया के एसपी यहाँ नहीं है, ये लोग पूर्णिया डीएम से मिलने की कोशिश कर रही हैं, उसके बाद हो सकता है पूर्णिया डीआईजी आईजी से और जो वरीय अधिकारी हैं उन लोगों से मिले। इन लोगों को जो सहयोग है वो पूर्णिया के कांग्रेस अध्यक्ष इंदु सिन्हा की तरफ से मिला है, साथ ही साथ जो और जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों की तरफ से मिला है। और तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर हत्यारा तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये लोग प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, प्रदर्शन को और उग्र करेंगे ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।